हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंने कौन कौन सी कटिंग लगा रखी है। ये देखिए मेरी खूबसूरत सी प्यारी सी कटिंग, ये है स्पाइडर प्लांट और ये कितने अच्छे से चल रहा है आप देख सकते हैं। इसका छोटा सा बेबी पप भी आ गया है। और ये है चंपा, नाग चंपा का प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से लगाया है, मुझे किसी ने दी थी। और ये है, इसकी कटिंग मैंने आज लगाई है, कैसे लगाई है वो मैं बताऊँगी। ये है मेरा डेविल बैकबोन, इसके मेरे पास दो वैरायटी है, एक ये है इसके थोड़े चौड़े से पत्ते हैं और एक मैंने बीज से लगाया है प्लांट, वो है आम का प्लांट जिसकी मैंने बीज ग्रो कर दिए थे 2-3 महीने पहले। और अब देखो कितना अच्छा सा चल रहा है, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं इसकी, एक गमले में एक ही निकला है। और ये भी आम का ही है, इसमें तीन चार निकले हैं, तीन चार गीटक लगाई थी मैंने, एक गमले में तीन तीन गीटक लगाई थी जिसमें से तीन तीन चार चार प्लांट निकल के आए हैं। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखियो, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको बड़े से कंटेनर में लगा दूंगी। और ये देखिए कितनी सुंदर सी कटिंग मेरी चल रही है। तो आप भी अक्टूबर के महीने में खूब सारी कटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने कौन सी कटिंग लगाई है, ये है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट जिसकी मैंने कटिंग लगाई है। ये छोटी सी कटिंग ली है, 6 से 5 से 6 इंच की कटिंग ली है। और अब मैं इसको कैसे लगाऊंगी, ये मैंने लिया है एक एलोवेरा की लीव जिसका जेल मैं लगाकर इसकी कटिंग लगाऊंगी, ताकि इसकी जो भी रूटिंग निकलेगी जिस तरह से भी अंदर डेवलप होगा उसमें फंगस ना लगे और ये अच्छे से ग्रो कर जाए, अच्छे से इसकी जड़ें निकल जाएं, प्लांट में फंगस ना लगे, इस वजह से यहाँ हम एलोवेरा जेल लगाते हैं। आप जेल भी लगा सकते हो और इस तरह से लगा के इसको मिट्टी में भी लगा सकते हो जिससे इसका मॉइस्चर बना रहता है और इसको फंगस नहीं लगती और ये बहुत अच्छे से चलता है। और देख सकते हैं किस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है ये छोटा सा प्लांट। और इसकी साइडों की लीव आपने निकाल देनी है, साइडों की पत्तियाँ जो मिट्टी से टच ना करें, जिससे मिट्टी से टच होने से प्लांट ख़राब हो जाता है, गल जाता है। और पानी उतना ही देना है जितनी इसकी ज़रूरत है, ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है। और 2-4 दिन इसको शेड में रखना है, उसके बाद आप इसको धूप में रख सकते हैं। ये लो लाइट में चलने वाला प्लांट है, इसको ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती। और ये है मेरा अजवाइन का पौधा जिसकी भी मैंने कटिंग लगाई है, जो बहुत अच्छे से चल रहा है। और आप भी अक्टूबर के महीने में अपने प्लांट की कटिंग लगाइए और अपने प्लांट बढ़ाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।